अब मेरा जिस्म जो है ना वो नूर है और मैं बाब वजू रहती हूँ। अच्छा। जब भी मैं वॉशरूम जाऊँ मैं वजू करके निकलती हूँ तो मेरा जिस्म नूर है, जहाँ जहाँ पे भी मैं हाथ फेरती हूँ ना वहाँ पे फा होती जाती है। अब तक कितने मर्दों को खुश कर चुकी हूँ? बस होते होने ने। तो दोस्तों आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की ये औरत कह रही है कि अगर ये किसी के ऊपर ऐसे हाथ फेर दे तो वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स की क्या जरूरत है भाई? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है तो भाई ये औरत है उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर देगी और वो बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में देखते हैं और जानते हैं कि इस औरत की बातों में कितनी सच्चाई है। वालेकुम अस्सलाम। राबिया क्या क्या तुम्हारा है? मेरा तुसी यार। मैं तुम्हारा हूँ। हाँ सारे जिन्हे भी खड़े। अच्छा जो नवाज शरीफ है हाँ। उसकी बड़ी फैन, उसको नंगे नहाते देख लिया। अब पीछे कर ले। नवाज जी से अस्तगफिरुल्लाह। कौन से नाजरीन ये इंटरव्यू देखने से पहले आप अपने हेडफोन लगा लें क्योंकि आज का जो इंटरव्यू बड़ा वर्गल होने जा रहा है। हाँ राबिया खुल के बोल रहे हैं। अच्छा बाबा नवाज शरीफ मियाँ, नवाज शरीफ साहब ने साढ़े वास्ते बहुत कुछ किया है बाबा। अच्छा तुम कहती हो कि मैं इमरान खान की फैन नहीं हूँ, इमरान खान से आपको इंसानियत नाते भी फैन है, ताड़ी भी फैन है, सारे जड़े आते हैं मेरे को इंटरव्यू में, उन्होंने इज्जत करनी है, लेकिन इमरान खान ज्यादा कर रही है बाबा। अच्छा मुझे ये बताओ कि नवाज शरीफ की कितनी फैन? फैन में दोनों की बराबर ही हैं, लेकिन अगर मियाँ मियाँ की कहते हैं इमरान खान, मियाँ इमरान खान ने मियाँ नवाज मियाँ नवाज शरीफ को माफ़ी मांग लेंदा है तो वह की चला जाएगा? अगर इमरान खान नवाज शरीफ से माफ़ी मांग लेता है आप इमरान खान को तोहफे में क्या देते हैं? उसके लिए तो गिफ्ट बनता है ना बाबा। और मैं डिसाइड नहीं कर सकती कोई कुछ, मेरे को दुआवा ही नहीं बाबा। अच्छा दुआओं दे। अच्छा मुझे बताओ कि नवाज शरीफ की कितनी बड़ी फैन हो एंड शादी क्यों करनी है उससे? अगर वो चाहते हैं तो नहीं उससे शादी कर लोगी? हाँ क्यों, वजह क्या? नंगे नाते देख लिया? नहीं बाबा वो ऐसे है ना कि मुल्क को फिर मिलजुल के हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे शुरू से लड़ाइयाँ करते आए हैं, एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे को बैठा दिया, ऐसा सीन में दोबारा। अच्छा राबिया गोली मारो सियासतदानों को, आप अपनी बात। अच्छा राबिया मुझे ये बताओ कि जब दम करती हो, एक बार पहले मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया वो वायरल है, तुमने मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेरा, हाथ क्यों फेरती हो? बाबा मेरा जिस्म जो है ना वो नूर है और मैं बाब वजू रहती हूँ। अच्छा जब भी मैं वॉशरूम जाऊँ मैं वजू करके निकलती हूँ तो मेरा जिस्म नूर है, जहाँ जहाँ पे भी मैं हाथ फेरती हूँ ना वहाँ पे होती जाती है। अच्छा राबिया मुझे बताओ कि खुद कहती हो कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, खुद कहती हो कि मैं नूर हूँ, खुद ही कहती हो कि वो जो वर्गल अल्फाज प्रोग्राम शुरू होते बोला मैं नहीं बोल सकता, ये क्या है, कौन सी पीरनी हो? बाबा आवाम दो नंबर करके बहुत बहुत ही खुश होती है। अच्छा। एक नंबर आवाम नहीं चलती। इसका मतलब है कि पीर के साथ साथ आप आवाम को मजे भी देती हो, हंसाती भी हो, खुश भी करती हो? बाबा यही जिंदगी है। किस किस तरीके से खुश करती हो? बाबा खुश की करना उन्होंने हाँ ना हाँ मिला लेनी है आवाम, पता है क्या कि किस किस चीज में हाँ करवा दी है? करवा ले फिर जो राबिया कुवारी हो कुवारी नहीं रहनी, कोई नहीं कुवारा पंदी दिन ओ मरम्मत देखो कौन तोड़ रहा है। अच्छा गैर मरम्मत हो जाएगी? नहीं मैंने शादी नहीं करनी। नहीं आवाम अगर जो आवाम है पाकिस्तान की आप कहते कि जैसे कहेगी वो शादी नहीं करनी, मैं तुहाडे सिर ते सलामत हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि एक दम के कितने कितने पैसे लेती हो और वो पैसे कहाँ? बाबा जरा यकदम करेगा ना मेनू ओ एक अरब लेके आएगा। अच्छा मेरे जरा तेरे बिच अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जो करेगा ये यकदम करेगा वो करोड़ लेके आएगा अरब। अच्छा और जिसको तुम यकदम करोगे करोड़, इसका इसका डिफरेंट क्या वजह क्या है? बाबा अपनी मर्जी ना, बंदा जो मर्जी करे, जब तो अगले दी मर्जी होती है तो फिर बंदा मूल पवा लेंदा ना। अब जब किसी की मर्जी होगी अरब, जब तो मर्जी होगी करोड़, और जो अरब देगा भी हो सादा कम अगर मेरी मर्जी हो। नाजीन ऑफर है, अगर आप राबिया पीरनी को मना लो, खुश कर लो, पावे सिगरेट दे के मना लो, फ्री भी हो सकता है। करोड़ वाला अरब वाला जो काम है वो फ्री पे आ गया हमारे चैनल के तो असल। अच्छा अब कैसे मान गए हमें मना लेते हैं हम भी इसको। अच्छा एक मिनट रुको मनाते हैं, इधर आओ इधर आओ। अल पूछ अल दाज बताता हूँ तुम्हें। अच्छा एक आपका चाहने वाला मौके पे आ गया, कह रहा कैसे मान गए? मैं अपनी इज्जत जड़ी है ना
मैं पंजाबियों की भी इज्जत हाँ तो मैं पठाना की भी इज्जत हाँ। पंजाबियों की मैं नूँह हाँ तो पठाना की मैं धी हाँ। शादी की नहीं तो नूँह कि बन गई बाबा राधा ध्यान राधे ना सब काम होता है राधे ना सारा काम। मैं पहली बात है कि मैं शादी नहीं करूँगी, अगर मैं करूँगी तो मैं पंजाबी में करूँगी। राबी अब तक कितने मर्दों को खुश कर चुकी है? बाबा सोते होने ने फिर शादी खुद पिछले प्रोग्राम में तुमने क्या कहा कि मैं क्या हूँ? बाबा तुसी सवाल ऐसा पूछा मैं जो तुमने पिछले प्रोग्राम में क्या तुसी सच पूछा मैं भी तुम सच सच बोल रही हो ये बात तुम पर एक एक कमरे से जाना हो ना बंदे ना तो 10 बंदे होते हैं। अच्छा ऐसे तो थले गुजारा नहीं मेरा। मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे दम करवाऊँ कैसे दम करूँ? मैं क्यों करूँ बाबा? करो ना पिछले प्रोग्राम में किया ना। किस बात का? मैं जिद करता हूँ तो तुम्हारी बड़े जिद करने की करी जाओ हम सह लेंगे। अच्छा राबिया मुझे बताओ कि अगर मैं दम करवाता हूँ कैमरे के सामने दम? बाबा मैं सोने मुंडे दम नहीं कर रही, मेरा दिल खराब होता। पिछली बार किया था तब क्या था? बाबा पिछली बार मैंने पाई होनी है ऐनक उतारी। तुम्हारा पहला इंटरव्यू मैंने किया था? नहीं यार ये आप झूठ बोल रहे हो। करो दम? नहीं बाबा मैं दम नहीं कर रही, पाबंदी है। क्या नहीं है? पाबंदी मैनू। अच्छा आप बताओ कि किन किन की वजीर आजम हो? मैं भूखे नंगे कंगले जेबो तंग करो तंग बुढ़िया तो तंग। अच्छा वो सारे आपके मुरीद हैं नाजिन वो बंदे। अब मैं आपको बताता हूँ वो बंदे जिनको घर से दूसरी बार साला नहीं मिलता ऐसा ही है ना, वो बंदे जिनके पास सिगरेट नहीं होती, वो बंदे जिनके पास बीवी नहीं होती। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की ये मेंटल औरत कह रही थी कि ये अगर किसी के ऊपर ऐसे हाथ फेर देती है तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है अगर ऐसा है तो। पाकिस्तान में तो किसी डॉक्टर्स की ही ज़रूरत नहीं है, किसी कोई दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई अगर बीमार है तो इस औरत को बुला लो और ऐसे हाथ फिरवा लो और ठीक हो जाओ भाई। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर कोई इतने सालों से बीमार है और दवाइयाँ खा रहा है तो उसे ऐसे हाथ फेर के ठीक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा सच में है तो हमें भी एक ऐसी ही औरत चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से बीमार है, उन्हें किसी की भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो हमें ये औरत चाहिए। हम इस औरत से बोलेंगे, ये उनके ऊपर ऐसे हाथ फेर देगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बिना किसी जड़ी बूटियों के, बिना किसी दवाइयों के, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपके वहाँ भी कोई बीमार है, कोई किसी प्रॉब्लम में है तो इस औरत को बुलाइए। और तो आपको अगर ये औरत चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।